कंडाघाट में बीडीसी चुनावों के बाद अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर फैसला होना है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने सियासी दांव खेलने आरंभ कर दिए हैं और जोड़ तोड़ करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के ही नेता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान हों, जिसको लेकर खंड विकास अधिकारी ने कंडाघाट में बैठक का आयोजन किया था, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाना था, लेकिन इस बैठक में अधिकतर सदस्य नदारद रहे, जिसकी वजह से ये निर्णय नहीं हो पाया कि कौन इन पदों पर विराजमान होगा। अब बैठक को स्थगित कर दिया गया है, अगली तिथि में ये निर्णय हो जाएगा। खंड विकास अधिकारी कंडाघाट हेमचंद शर्मा ने बताया कि बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें कुछ सदस्य अनुपस्थित रहे, जिसकी वजह से पदाधिकारियों का चयन नहीं हो पाया है, इसलिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब अगली बैठक 8 फरवरी को होगी, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। बैठक निर्धारित थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना था, परंतु कोरोन पूर्ण न होने के कारण हमने 2 घंटे के लिए इंतजार किया, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और कोरोन पूर्ण नहीं हुआ, जिस कारण से अब जो ये बैठक है स्थगित बैठक, वो 8 फरवरी 2021 को होनी निश्चित हुई है, जिस बारे में सभी संबंधित बीडीसी मेंबर्स को जो है वो विशेष वाहक के माध्यम से सूचना जो है वो प्रेषित की जा रही है। उम्मीद है कि 8 तारीख को जो है वो कोरम पूर्ण हो जाएगा, इसमें साधारण कोरम की आवश्यकता रहेगी, तो कोरम पूर्ण हो जाएगा तो हमारा चुनाव भी जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संभव हो पाएगा।